तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती का 13वां पाठ गुरु नानक देवा का चौथा पाठ। अगर आपने पिछला 3 पाठ नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे पाठ को। लोक रक्षायै दीनानामुद्धाराय मानव जातिषु चातान वर्ण जाति धर्म रूपान भेदान अपनेतुम सर्वेषु साम्यम प्रतिष्ठापयितुम त्रिविधा ताप संतप्तम लोकम अमृत तो उपदेशेन शीतलयितुम गुरुर नानकः भारत भ्रमणाय मतिम चकार। लोक रक्षा ये अर्थात लोक रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, दीनानाम उद्धाराय अर्थात दीनों का उद्धार करने के लिए, मानव जातिषु अर्थात मानव जातियों में, जातान अर्थात उत्पन्न, वर्ण जाति और धर्म के भेद को अपने तुम अर्थात दूर करने के लिए, सर्वेषु अर्थात सब में, साम्यम प्रतिष्ठापयितुम अर्थात समानता स्थापित करने के लिए, त्रिविध अर्थात तीन प्रकार के अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक, ताप संतप्तम अर्थात ताप से पीड़ित, लोकम अर्थात संसार को, अमृत उपदेशन अर्थात अमृत के समान उपदेश से, शीतल यतुम अर्थात शीतल करने के लिए गुरु नानक ने भारत भ्रमणाय अर्थात भारत भ्रमण करने का मतिम चकार मति अर्थात विचार चकार अर्थात किया, तो भारत भ्रमण करने का विचार किया। स्व माता पितरौ स्व पत्नीम स्वसुतौ स्व भगिनीम नानकीम स्वमित्राणि चे साधु समाश्वास्य स सुल्तानपुर नगरात् नगरात निर्जगामा। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने दोनों पुत्रों, स्वभगिनी नानकी अर्थात अपनी बहन नानकी चयन की, और अपने मित्र मित्र को साधु अर्थात अच्छी तरह से समाश्वास्य अर्थात धैर्य देकर, अर्थात वे सुल्तानपुर नगरात अर्थात सुल्तानपुर नगर से निर्जगामा अर्थात निकल पड़े। नगरात नगरम ग्रामोद ग्रामम अटनम धर्मस्य बाह्याचारान आडंबर भूतान व्यापारान विखंडयन धर्मस्य सत्स्वरूपम स्थापयन सर्वस्मिन् तदेकम इति प्रतिपादितवान। नगरात नगरम अर्थात नगर में, ग्रामात ग्रामम अर्थात गांव से, एक गांव से दूसरे गांव, अटन अर्थात भ्रमण करते हुए, धर्मस्य अर्थात धर्म के, बाह्य आचार अर्थात बाहरी आचरणों, आडंबर भूतान अर्थात आडंबर स्वरूप, व्यापारान अर्थात कार्यों का विखंडयन अर्थात खंडन करते हुए, धर्मस्य धर्म का, धर्म के सत स्वरूपम अर्थात सच्चे स्वरूप की, स्थापयन अर्थात स्थापना करते हुए, सर्वस्मिन अर्थात सब में, तद यानी कि वह एकम इति वह एक या ईश्वर है, ऐसा प्रतिपादितवान ऐसा प्रतिपादित किया अर्थात ऐसा बताया कि सब में वह ईश्वर एक ही ईश्वर है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया ऐसा बताया। नेह नानास्ति किंचन न प्लस यह, यह यानी कि इस संसार में नानास्ति किंचन, नाना अर्थात इसी के बिना, उसके बिना, न अस्ति किंचन अर्थात कुछ नहीं है, अर्थात इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। इति जनान सम्यक बोधयन जाति धर्म वर्ण धर्म जनितो उच्चावच भेदान उपनयन देशास्योत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भागानाम भ्रमणम असौ कृतवान। ऐसा लोगों को सम्यक अर्थात भली भांति बोधयन अर्थात बोध कराते हुए, समझाते हुए, जाति वर्ण धर्म से जनित अर्थात उत्पन्न, उच्चावच अर्थात ऊंच नीच के भेद को उपनयन अर्थात दूर करते हुए, देशस्य अर्थात देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भागों का भ्रमण किया, भ्रमणम प्लस असौ प्लस कृतवान, तो उन्होंने भ्रमणम किया, भ्रमण किया, सर्वत्र दलितानां पतितानां अपहृताधिकाराणां दैन्यग्रस्तानां दुख
दुखप्त हृदयानां जनानां अन्तिकं गत्वा स्वप्रेम्णा मधुरया वाचा अमृतोपदेशेन च तान् सांत्वयामास। सर्वत्र यानी कि सभी स्थान पर सब जगह दलितानाम अर्थात दलितों, पतितानाम अर्थात पतितों, अपहृता अधिकारणाम अर्थात अधिकारों का छिन्ना, दैन्यग्रस्तानाम अर्थात दीनता से गरीबी से ग्रस्त, दुखप्त हृदयानाम अर्थात दुख से पीड़ित हृदय वाले, जनानाम अर्थात लोगों के, अंतिकम अर्थात पास, गत्वा अर्थात जाकर, स्वप्रेमणा अर्थात अपने प्रेम से चयन की, और मधुरया वाचा अमृतो उपदेशेन अर्थात अमृत के समान मधुर वचन और उपदेश से तान अर्थात उन्हें सांत्वना सांत्वया मास अर्थात सांत्वना दी। भ्रमण काले दुख दैन ग्रस्तानाम उपेक्षितानाम एवातिथ्यम तेनांगीकृतम। भ्रमण के समय तेन अर्थात उन्होंने दुख अर्थात दुखियों, दीनों दैन अर्थात दीनों, और उपेक्षित दुखी और दीनों से ग्रस्त और उपेक्षित उपेक्षितों को ही आतिथ्य आतिथ्यम अर्थात आतिथ्य को अंगीकृतम अर्थात स्वीकार किया। पर परिश्रमेणार्जित धनेन जनाः धनिनो जायन्ते। पर परिश्रमेण अर्थात दूसरों के परिश्रम से उपार्जित धनेन अर्थात कमाए धनों से जनाः अर्थात लोग धनिनो जायन्ते अर्थात धनवान हो जाते हैं। अतः इसलिए ऐश्वर्यवतो निमंत्रणमपि तस्मै न रोचते स्म। अतः अर्थात इसलिए ऐश्वर्यवत अर्थात वैभवशालियों का निमंत्रण भी तस्मी अर्थात उन्हें न रोचते स्म अर्थात उन्हें अच्छा नहीं लगता था। स्वश्रमेणोपार्जिते वित्ते विद्यमाना पवित्रता पर परिश्रम आर्जित वित्ते कुत्र इति श्रमं प्रति प्रशस्य भावः तेनोदाहृतः। स्वश्रमेण अर्थात अपने श्रम से उपार्जित वित्ते अर्थात धन में विद्यमान पवित्रता अर्थात पवित्रता पर परिश्रमार्जित वित्ते अर्थात दूसरों के श्रम से अर्जित धन में वित्त अर्थात धन में कुत्र अर्थात कहाँ है इति अर्थात ऐसा। इस प्रकार श्रमम प्रति अर्थात श्रम के प्रति तेन अर्थात उन्होंने प्रशस्य भावः अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठता का या प्रसन्नता का भाव उदाहृत अर्थात प्रकट किया। तो इसी के साथ ही चौथा पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।